हिमाचल प्रदेश के विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में नववर्ष मेला पूजा अर्चना आरती के साथ धूमधाम के साथ शुरू हो गया। 5 दिवसीय इस मेले में 29 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी तक इस मेले में 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना व्यक्त की जा रही है। हालांकि श्रद्धालुओं की ज्यादा संख्या 31 दिसंबर और 1 जनवरी को होगी, जिसमें लगभग 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालु माता श्री नैना देवी के दर्शन करके अपने नववर्ष का आगाज करेंगे। नववर्ष मेला के दौरान जहां पर चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है, वहीं पर सीसीटीवी कैमरे के द्वारा भी जेब कतरों असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखी जाती है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। मेला पुलिस अधिकारी DSP शेर सिंह के मुताबिक मेला के दौरान श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों की सुरक्षा एवं सुविधा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। लगभग 500 के करीब होमगार्ड पुलिस के जवान एवं एक्स सर्विसमैन फौजी सुरक्षा की दृष्टि से तैनात किए गए हैं और ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए मंदिर आने वाले रास्तों पर और ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए मंदिर आने वाले रास्ते पर वन वे ट्रैफिक की व्यवस्था की गई है। मेले का शुभारंभ आज से हो गया है। यह मेला 2 तारीख तक चलेगा, 5 दिन का होगा। इसमें सबसे ज़्यादा रश 31st को और 1st को होता है। इसके लिए हमारी पुलिस की ड्यूटियां पहुंच चुकी हैं। 60 डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारे पुलिस जवान पहुंच चुके हैं, 75 होमगार्ड्स और 4 या 5 रिजर्व बटालियन से आ रही है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए पूरे प्रबंध किया गया है और यातायात व्यवस्था का भी पूरा प्रबंध किया गया है। नव वर्ष की माता जी के श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं। आज से नव वर्ष का जो मेला यहाँ मनाया जाता है वो शुरू हो चुका है। श्रद्धालु आने माता जी के शुरू हो गए हैं। 31 तारीख को और 1 को विशेषतया बहुत से श्रद्धालु इस मौके पे माता जी के आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं, तो उसके लिए न्यास ने पूरा प्रबंध कर लिया है। पूरी प्रशासन की देखरेख में सारे प्रबंध जो हैं वो सुचारू रूप से देख लिए हैं, तो श्रद्धालु आएँ, कोविड को ध्यान में रखते हुए मास्क का भी प्रयोग करें। जय माता।